जिस दिन मेरा छोटा भाई आया वो दिन भी कुछ अलग नहीं था। पर ऐसा समझना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। उठ जाओ छोटू मालिक, सात बज गए हैं। मॉर्निंग जादूगर जी, आज कौन सा महान कारनामा कर रहा है तुम्हारा इंतजार? ओह हाँ। मॉम डैड हमेशा कहते थे कि मैं अपने सपनों की दुनिया से बाहर कभी नहीं आता, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है कि वो बेबी टैक्सी में आया था। ये क्या? ये है तुम्हारा छोटा नन्हा बेबी भाई। क्या कहा आपने? बेबी भाई। मेरे मन में हजारों सवाल थे। कौन है ये बंदा? यहाँ क्यों आया है? ऐसे कपड़े क्यों पहने? ये इतना मोटा क्यों है? मुझे घूर क्यों रहा है? इसे कराटे आता है? अरे ये हो क्या रहा है? उधर जाना है। ठीक है ठीक है। उसने आते ही सब पर चिल्लाना और हुक्म चलाना शुरू कर दिया। ओ, तुम्हें ये चाहिए? एक बात साफ थी, वो बॉस था। उसने घर के बीचों बीच कब्जा करके अपना ऑफिस बना लिया था। वो मीटिंग्स बुलाता था। क्या हुआ बेटा? क्या चाहिए ये मिस्टर चूचू? मीटिंग्स मीटिंग्स और मीटिंग्स, यहाँ तक कि आधी रात को भी। मैं क्या मॉम? हम आ रहे हैं। आप बस अभी आते हैं। अगर सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता तो वो घर सर पे उठा लेता। दूध की बोतल है। उसकी बोतल अभी चाहिए। वो हर एक को अपनी मोटी छोटी उंगली पे नचाता था, सभी को सिवाय मेरे। डैड, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। जानता हूँ बेटा, मैं अभी नहीं। मैं वो देखो, बेबी को इस वक्त बहुत देखभाल की जरूरत है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। डैडी आ गए। और मेरा क्या? साल है 2057। एंसेंट टीरेक्स और मैं दुश्मन एलियन हमले की छानबीन कर रहे हैं। सोचा था उससे भी बुरा हुआ। ये नंगू पकू है। मैं नंगू पकू। से चीज़।